तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का है, और मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे फैकल्टी ने, तुम्हारे टीचर ने कैसे तुम्हें साइन कन्वेंशन पढ़ाए हैं। तो मैं जो साइन कन्वेंशन बताता हूँ ये बहुत ही आसान है। तो टू पर्सन ऑब्जर्व, ए पर्सन ऑब्जर्व ट्रेन मूविंग ए रीच द स्टेशन एंड बी लीविंग द स्टेशन विथ इक्वल स्पीड। मतलब अगर यहाँ पर एक पर्सन है और वो खड़ा है यहाँ पर मिठाइयाँ खा रहा है, तो ये जो पर्सन है वो देखता भी है, तो ये देख रहा है कि जो ट्रेन ए है इसके पास आ रही है, अप्रोच कर रही है स्टेशन ए को, और जो ट्रेन बी है यहाँ से, ट्रेन बी लीविंग द स्टेशन, तो ये जो है वो स्टेशन बी को लीव कर रही है और ये यहाँ पर कोई स्टेशन है, ठीक है ना, ये स्टेशन है। तो कहते हैं दोनों की स्पीड, इसका 30 मीटर पर सेकेंड है और इसका 30 मीटर पर सेकेंड है। अब ट्रेन क्या है, साउंड जनरेट करेगी, तो ये ट्रेन क्या है, तो ट्रेन जो है वो बेसिकली सोर्स हो जाएगी, सोर्स साउंड का सोर्स हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। और ये सुनने वाला जो आदमी यहाँ बैठ के मिठाई खा रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो ये ऑब्जर्वर है, तो इसको मैं भी ओ से डिनोट करता हूँ, वेलोसिटी। और ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, कहीं नहीं जा रहा, अभी नहीं जाएगा, बाद में इसका मन करेगा तो जाएगा। इफ टू ट्रेन इमिट साउंड विथ फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज, मतलब दोनों ट्रेन है वो साउंड जनरेट कर रही है, तो अगर साउंड जनरेट कर रही है सेम फ्रीक्वेंसी का, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो साउंड जनरेट कर रही है इसकी भी फ्रीक्वेंसी 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी एफ टू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, हमें स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड हमको लेना है, तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी हियर्ड, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पर्सन। एक्चुअली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बीट्स होता है, बीट्स हियर बाय द पर्सन। सब देखो, अगर यहाँ आदमी खड़ा है, ठीक है ना, ये इस प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, और ये आदमी यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है, पूरे डॉपलर इफेक्ट में एक ही फार्मूला याद रखना है कि वी माइनस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो आदमी को मिलती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, उस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है, जो फ्रीक्वेंसी की मिलती है, एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस बी ओ और वी माइनस बी एस और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है और इसी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, तुम्हें साउंड की जो स्पीड है उसको पॉजिटिव ले लेना है, तीन वेक्टर है, साउंड की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, तीन वेक्टर है। तो जब साउंड की स्पीड पॉजिटिव ले लोगे, चलो मान लो साउंड इधर से आ रही है, तो इधर वी एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। साउंड, ये साउंड, साउंड की स्पीड वी वी सॉरी वी पॉजिटिव है, तो इसके अगेंस्ट जो भी या तो ऑब्जर्वर होगा या तो सोर्स होगा तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। और इसी लाइन में अगर ऑब्जर्वर होगा या सोर्स होगा तो वो भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैं इधर साइन पॉजिटिव। अरे सिंपल सा यार, वेक्टर, वेक्टर की साइन एक डायरेक्शन में एक जैसे होती है, तो भी की मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो आई होप। चलो, तो ये इधर से साउंड आ रही है, तो आदमी सुन रहा फॉर ट्रेन ए, तो मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ साउंड पॉजिटिव ले लेता हूँ, जो +330 है, और ट्रेन भी इधर ही आ रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +30 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ वन इज इक्वल टू 330 माइनस 0, ठीक है, ऊपर वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, 330 और -30 और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है मेरे भाई, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट की थी, 300। तो जब इसको काट कूट लोगे तो ये आ जाएगा 330 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सुनेगा जब यहाँ से साउंड आएगी सीधी फॉर ट्रेन ए, ठीक है ना। उसी तरह से ट्रेन बी की कहानी देखो, फॉर ट्रेन बी, अगर ट्रेन बी की बात करोगे तो थोड़ा सा ट्रेन बी की बात करते हैं, तो फॉर ट्रेन
ट्रेन बी। देखो अब यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और अगर ट्रेन बी है तो ट्रेन बी तो इसे दूर जा रही ना, इधर तो ट्रेन बी उससे दूर जा रही है, तो जो साउंड कैसे सुनेगा, साउंड इसके कान में आएगी तभी तो सुनेगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो माइनस प्लस 330 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इसके अपोजिट आ रहा है, तो ये -30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और ये कहीं नहीं जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 हो जाएगा। तो सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 330, मैं बताया इसको हमेशा प्लस ले लेना है, -0 और ये आ जाएगा 320 प्लस 30, और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना कितना जनरेट हुआ है इस केस में, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम ही है ना, एक मिनट देखो तो, हाँ सेम फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम ही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 300 ये वाली चीज़। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 275, ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी F2 275। तो बीट्स या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, बीट्स या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हियर्ड बाय द पर्सन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस या बीट्स हियर्ड बाय द पर्सन इज इक्वल टू, ठीक है ना, डेल्टा एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2 मॉड। तो F1 माइनस F2 मॉड जब करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 330 माइनस 275, तो अगर आप यहाँ से देखोगे 55 हर्ट्स के इक्वल आ जाएगी, दैट इज ये फ्रीक्वेंसी एफ ये वाली चीज। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, 55 आ जाएगा, 55 हर्ट्स ये वाली चीज़। तो अगर आप देखोगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही मैच करता है, तो फाइनली जो है वो अपना ऑप्शन 55 सेकेंड मैच करता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।